टू पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिम इज एफ. इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेज बिकम्स ओके. और ये चार ऑप्शन हमको गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू. प्लस क्यू है ए पर और माइनस क्यू है बी पर. इनके बीच जो फोर्स लग रहा है बच्चों को कैसा लग रहा होगा? सिंपल सी बात, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का. तो कैसा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन. अट्रैक्शन का फोर्स बच्चों किधर लगता है? एक दूसरे की तरफ लगता है. और कह रहे हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ लग रहा है. तो अगर हम मान लें कि दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस आर है, तो क्या मैं इस फोर्स को कूलम्स लॉ से लिख सकता हूं? फ्रॉम कूलम्स लॉ मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू के. ठीक है, जहां पर k की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/4 pi epsilon 0. जब मन करे आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है, k q1 कैपिटल q, q2 यानी कि कैपिटल q अपान r स्क्वायर. यहां आपको प्लस q और माइनस q लिखने की जरूरत नहीं, केवल q और q उसके मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है. और ये फोर्स कैसा होगा वो ब्रैकेट में लिख देंगे. ये कैसा फोर्स होगा? ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा. अट्रैक्शन का फोर्स होगा. ठीक है, तो ये आ गया एफ, यानी कि एफ आ गया है. क्या आ गया? के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर वन आ गई. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं? सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू चार्ज बी. ए का 25% चार्ज निकाला गया होगा ए से और वो बी में दे दिया गया, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 25% ऑफ चार्ज ए. ए का 25% कितना होगा बताओ? तो ए पे कितना चार्ज था? क्यू था. और क्यू का 25% परसेंट मतलब अपान 100, 25/100 कर दिया, यानी कि ये आ गया क्यू अपान 4. देखो 25 को 4 से डिवाइड करोगे, ये 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, तो ये आ गया. अच्छा, यानी कि क्यू बाई 4 इससे निकाला गया होगा और इसमें डाला गया होगा. सिंपल सी बात है, ए पर फाइनल चार्ज क्या बना होगा सोचो बच्चों. पहले ए पर कितना चार्ज था बेटा? क्यू था. अब क्यू बाई 4 इससे निकाल के उसमें डालना है, तो इसे निकालना है ना, तो इसमें कम हो जाएगा. तो इसमें जो फाइनल चार्ज बनेगा वो क्यू माइनस क्यू बाई 4 हो जाएगा. भाई देखो क्या कह रहे हैं, इसका 25% निकाल के इसमें डालो. तो पहले इससे निकालोगे ना तो इससे कम हो जाएगा, इतना कम कर दिया, यानी कि यह कितना बचेगा? ये चार्ज बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 3q/4. ठीक है, अच्छा डिस्टेंस तो वही रहेगी भाई. डिस्टेंस के बारे में तो कुछ कहा नहीं कि डिस्टेंस को चेंज करना या नहीं करना, तो हम नहीं करते. ठीक है, इस पे चार्ज कितना बचेगा सोचो बेटा. इस पे कितना चार्ज था बेटा? क्यू डैश था. कैसा? माइनस क्यू डैश था, या माइनस क्यू था, है ना, माइनस क्यू था. और उसमें कितना ये वाला इससे निकाला गया तो इसमें आ गया. अब उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो ये प्लस का आएगा क्यू बाई 4 जोड़ दिया गया. समझ गए? इसका मतलब इसमें जो फाइनल चार्ज है वो कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? -3q/4. यानी कि फाइनली इस पे चार्ज बन जाएगा 3q/4 और इस पे बन जाएगा -3q. अब बेटा देखो, क्या ये अट्रैक्शन होगा इनमें या रिपल्सन होगा? तो फाइनली जो चार्ज बना है वो भी पॉजिटिव और निगेटिव है, और प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं. इसका मतलब इनके बीच अभी भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, बट कितना होगा? कुछ चेंज हो जाएगा. हम मान लेते हैं एफ डैश. क्यों चेंज हो जाएगा?
क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई लेकिन चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई है। और फोर्स जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्जेस पर भी और डिस्टेंस पर भी। तो डिस्टेंस नहीं बदली लेकिन चार्ज बदल गए ना, इसलिए फोर्स बदल गया होगा। तो अब फाइनल फोर्स कैसे निकलेगा? इन फाइनल कंडीशन फोर्स एफ डैश किसके बराबर होगा? के, यानी कि 4 1/4 pi epsilon 0। जब जरूरत पड़े इसकी वैल्यू लिख सकते हो, 9 to 10 की पावर 9 होती है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एयर के लिए होती है या वैक्यूम के लिए होती है ना, तो लिख भी सकते हो बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसलिए के लिख रहे हैं ताकि आराम से कैलकुलेशन हो जाए। Q1 पहला वाला चार्ज Q-, Q2 दूसरा वाला चार्ज Q-, अपान इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो आ रही है। यानी कि अब जो आएगा एफ डैश, ये कितना बचेगा? के Q-, Q-, कितना है बेटा? 3Q/4। Q-, वो भी आएगा 3Q/4। माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है ये बाद में देख लेंगे। अपान में क्या है? आर स्क्वायर। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यह जाएगी के 3 3 जा 9, अपान 4 4 जा 16, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दो बेटा, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन देखो क्या था? एफ था, तो इसकी जगह मैं एफ लिख सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो एफ डैश बराबर 9/16 एफ। इसका मतलब जो फाइनल फोर्स लगेगा वो पहले वाले फोर्स का 9/16 टाइम्स होगा। ये आंसर आ जाएगा फाइनल फोर्स का, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।